दोस्तों ये एक बफी कोड का स्लाइड है और बफी कोड में WBC कैसे दिखता है तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइक्रोस्कोप पे। हमें कितने एक्सपेयर देखना चाहिए, एक्चुअली बफी कोड होता क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये बफी कोड का स्लाइड है, इसको बनाने का विधि मैं वीडियो डाल चुका हूँ। इसको हम 40x पे या 100x पे आप किसी पे भी देख सकते हो। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 100x पे WBC। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे WBC इसमें दिख रहे हैं, लेकिन रीज़न क्या होता है, आखिर में हम क्यों यहाँ पे जो बफी कोड होता है बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर किसी पेशेंट का WBC काफ़ी लो आ रहा है, यानी कि 2000 से नीचे आ रहा है, 1500 या 500 या 1000 अगर WBC आ रहा है, या किसी पेशेंट को अगर कैंसर है, तो उसमें ब्लास्ट सेल्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बफी कोड बनाया जाता है। और बफी कोड में सबसे ज़्यादा आपको WBC आइडेंटिफाई होता है, वो क्लियर तरीके से दिखता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी क्लियर आपको WBC दिख रहा है, बहुत सारा WBC दिख जाता है, और इसे आइडेंटिफाई आप इजी कर सकते हो कि WBC ब्लास्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि एक्चुअली में पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है, या जो हमारा बोन मैरो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा क्लियर पता चल जाता है। जैसे इस पेशेंट का आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा WBC लो था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर आप देख रहे हो तो WBC है यहाँ पे, यानी कि बोन मैरो तो बना रहा है WBC, लेकिन कुछ तो और ही क्रोनिक डिसीज या और भी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, जिसकी वजह से जो उसका WBC है वो लोअर साइड में आ रहा है। और इजी तरीके से आप यहाँ से पहचान कर सकते हो कि WBC कैसे दिखता है, तो ये बहुत ही ईजी होता है। बफी कोड से भी यही 2-3 कंडीशन में बनाया जाता है कि अगर किसी पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा WBC लो आ रहा है, या कैंसर है, या ब्लास्ट सेल्स हमको आइडेंटिफाई करना है, तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अभी देख सकते हो आप इतने सारे WBC इसमें दिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद लगा हो, तो वीडियो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।